देखिए इसका लास्ट पार्ट ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब इसमें नंबर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब वेरिएबल से कॉमन आएंगे। ए देखो इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, इसलिए ए कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, एक्स यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। मैंने बोला लीस्ट वैल्यू कॉमन आती है, तो एक एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, वाई एक है, दो है, एक है, तो एक वाला कॉमन आ गया। अब अंदर तीन ही टर्म्स आएंगे क्योंकि जो बाहर निकालते हैं वो कॉमन निकालते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम इसमें से देख लेंगे, ए आ गया एक, एक्स दो थे एक आ गया, एक एक्स रह गया, वाई एक ही था एक हमने ले लिया। ठीक है, बीच में प्लस का साइन आ गया। अब इसमें देखिए बी एक आ गया, एक्स एक ही था हम बाहर ले चुके हैं, वाई दो थे एक अंदर, तो एक एक बाहर और दूसरा रह गया अंदर। इसी तरह से सी एक्स वाई जेड में से देखिए, एक्स भी ले लिया वाई भी ले लिया, तो सी जेड रह गया। तो ये हमारा आंसर माने, मुझे लगता है अब समझ में आया होगा ना। और बाकी बच्चे भी बेटा देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। सच में कह रही हूँ बहुत इजी नहीं है, बिना सोचे समझे वेरी इजी मत लिखो। ठीक है, फैक्टराइजेशन पे बहुत सारे चैप्टर्स बेस्ड होते हैं, फैक्टर्स लेना आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन वही है फैक्टराइज। ठीक है, पहले दो टर्म्स का किया इसी क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में फिर तीन टर्म्स का किया, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फोर टर्म्स का फैक्टराइज करना है। तो फोर टर्म्स का फैक्टराइज जो है वो हम इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हमारे लिए तो इजी, हमने दो दो को फैक्टराइज करना। ठीक है, तो दो दो के लिए हमने लास्ट वाले दो नहीं देखनी, पहले हमने सिर्फ पहले दो देखनी है। देखो ए एक्स प्लस बी एक्स, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स बाहर आ गया। अब ए एक्स में से एक्स ले लिया तो ए बचा, बी एक्स में से एक्स ले लिया तो बी बचा। ठीक है, तो ये बन गया एक्स इंटू ए प्लस बी। अब दूसरी तरफ आ जाओ, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन आ गया। y यहाँ भी है, यहाँ भी है, y कॉमन आ गया। तो मेक यूज़ ऑफ द ब्रैकेट, ब्रैकेट का यूज़ किया, ए वाई में से y ले लिया तो a बचा, बी वाई में से y ले लिया तो b बचा। ठीक है, अब ये देखो फोर टर्म्स थी बेटा, फोर की हमारी दो टर्म्स बन गई। दो कैसे बनी, जो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन से नहीं, प्लस माइनस से अलग होती है। x इंटू ए प्लस बी ये एक टर्म बनी, y इंटू ए प्लस बी दूसरी टर्म, बस दो ही टर्म्स हैं ना हमारे पास। अब दो टर्म में देखो x मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी के साथ, y भी मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी के साथ। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको 1 मान लूँ 1 मल्टीप्लाई बाई टू, इसको 3 मान लूँ 3 मल्टीप्लाई बाई टू, ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई। अब x भी मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी के साथ, y भी मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी के साथ, तो मैंने a प्लस बी कॉमन ले लिया। अब इस पूरी टर्म में से मैंने बाहर a प्लस बी ले लिया, तो ब्रैकेट डालूंगी ना, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट डालते हैं, ब्रैकेट डाली। अब x इंटू ए प्लस बी में से बेटा a प्लस बी मैंने बाहर ले लिया, अंदर x बचा, बीच में माइनस था तो माइनस आ गया, a प्लस बी मैंने ले चुके तो y बचा। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई, जब लास्ट वाला हमारा आता है फोर टर्म्स में तो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं आता। दो ब्रैकेट्स के बीच में अगर आप कोई साइन डाल दोगे इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं, हम फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं। a प्लस बी इसका एक फैक्टर है, x माइनस वाई इसका दूसरा फैक्टर है। गॉट इट, पहले वाले दो पार्ट्स मैंने कल करवाए थे ना, जब आप लास्ट वाले समझोगे ध्यान से, पहले वाले देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि पहले इजी दिए होते हैं। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, 15pq + 15 + 9q + 25p। अब अगर मैं इन दोनों में से फैक्टर्स कॉमन लूँ तो 15 आ जाएगा, और 9 और 25 में से कुछ नहीं आएगा, और ये प्राइम नंबर्स तो है नहीं कि मैं 1 ले लूँ, है ना, है सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, तो इसका मतलब कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, 15pq के साथ 9 को जोड़ दिया, मुझे पता है दोनों टेबल में आते हैं, और ये 15 और 25p जो है वो एक तरफ रख दिया। ठीक है, अब इन दो में से मैंने पहले सिर्फ एडजस्ट किया, अगर मैं इधर उधर कर दूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्लस में अगर हम चेंज करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आएगी। अब 15 और 9 किस टेबल में आते हैं, इकट्ठे 3 के टेबल में, q और q, q आ गया। ठीक है, ये आ गया 3q, अब 3 का टेबल पढ़ना 15 तक, तो आ गया 5, q ले लिया अंदर आ गया 5, सॉरी p, प्लस 3 3 9, q एक ही था मैंने बाहर ले लिया, अंदर आ गया 5p प्लस 3, प्लस 15 और 25, 5 के टेबल में आते हैं इकट्ठे, 5 कॉमन आ गया, 5 3 15। अब देखो हमने करने के बाद इन दो ब्रैकेट्स को मैच करना है, अगर हमारी ब्रैकेट सेम आती है ना इसके मतलब हम सही कर रहे हैं, अगर ब्रैकेट्स में कहीं प्लस माइनस का भी फर्क आता है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ये 3q भी, अब ये 3 + 5p या 5p + 3 वो तो एक ही बात है ना। ठीक है, अब ये 3q भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5p + 3 ये कॉमन आ गया,
5p + 3, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ रह गया 3q + 5, गॉट इट। अब इसका लास्ट पार्ट देखो, z - 7, z का मतलब है 1z और -7, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 1 कॉमन आ गया, -7xy xyz, इधर भी x है एक, इधर भी y है, xy कॉमन आ गया। अगर मैं यहाँ प्लस कॉमन ले लेती तो अंदर क्या रह जाता, 7 - z, 7 पॉजिटिव आ जाता, लेकिन 7 पॉजिटिव मुझे नहीं चाहिए, इतनी सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है साइन की, साइन हम देख के लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लिया, इन दोनों में से माइनस का साइन जब कॉमन लिया, जब हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, इसमें से x भी ले लिया, y भी ले लिया, माइनस भी ले लिया, तो क्या बचा, माइनस सेवन, यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो गया, x और y ले लिया तो बचा z। अब ये -7 + z है, ये भी -7 + z है, ठीक है, तो मतलब z - 7 कॉमन आ गया, इसमें से z - 7 ले लिया तो 1 बचा, माइनस z - 7 ले लिया तो x y बचा, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, गॉट इट।